हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई मीता बिश्नोई। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। और जब ये वाइट कलर के फ्लावर्स भर जाते हैं तो ये एकदम चांदनी रात जैसा लगने लगता है। एकदम चमकता है वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स। ये देखिए, पूरे में ये मिनी चांदनी है। मिनी चांदनी, छोटी चांदनी का प्लांट है। इसमें देखिए, हर चीज़ में स्टॉक्स आए, वो बड्स आए हुए हैं। हर स्टेम में कितने फ्लावर्स हैं। इसके फ्लावर्स देखिए, पांच पेटल वाले फ्लावर्स होते हैं और कितने ब्यूटीफुल होते हैं। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थोड़ा दूर से देखते हैं, ये पूरा प्लांट वाइट कलर का लगता है। और ये दिन में थोड़े से मुरझा जाते हैं और ये शाम रात होते ही एकदम वाइट वाइट ग्रीन कलर के पेड़ पे, ग्रीन लीव्स पे ये चमकने लगते हैं। इसकी लीव्स भी देखिए कितनी ग्लॉसी और कितनी ग्रीन है। छोटी छोटी होती हैं, मिनी चांदनी है। इसके फ्लावर्स भी छोटे हैं, इसकी लीव्स भी छोटी हैं। और इसका पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं होता। ये मेरा काफ़ी पुराना, 5 साल पुराना प्लांट है। ये देखिए, श्रब है, ये 5 साल पुराना है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये करीब 4 फीट हाइट का हो चुका है। और ये इसकी इसकी केयर बहुत इजी है, मगर दो चार चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये मैंने ग्राउंड पे लगाया हुआ है और एक मेरा पॉट में भी लगा हुआ है। और ये अगर आप 2-3 प्लांट भी लगाएंगे तो आप रियली इंजॉय करेंगे। आप ट्राई करिए इस प्लांट को घर में। ये इतना ब्यूटीफुल लगता है शाम को, समर्स की शाम, स्प्रिंग की शाम, जब ये फ्लावरिंग होनी शुरू होती है और प्रोफ्यूजली फ्लावर करता है ये। और देखिए इसमें कितनी वो है, बड्स है। और इसके फ्लावर्स जो होते हैं, एक फ्लावर मैं बहुत क्लोजअप दिखाती हूँ इसका। ये देखिए, ये 3 का, हाँ ये देखिए, ये ऐसी होती हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और पूरे में भर जाते हैं, मगर ये बहुत लास्ट नहीं करते। 1 या 2 दिन बाद ये मुरझा जाते हैं, मगर इतनी फ्लावरिंग होती रहती है इसमें, ये पूरे टाइम इसमें फ्लावर्स होते हैं। तो ये दूर से देखते हैं, ये दूर से प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। और इसकी फ्लावरिंग चाहिए अगर आपको, तो इसको स्प्रिंग में थोड़ा फर्टिलाइज करना होगा, क्योंकि ये स्प्रिंग में ग्रोथ पीरियड इसका शुरू होता है। और इसकी फ्लावरिंग भी समर्स में और स्प्रिंग में होती है, तो इसलिए इसको स्प्रिंग में मैं फर्टिलाइज करती हूँ। और इसकी प्रोपोगेशन, केयर, सब कुछ बहुत इजी है। मगर इसको इसको ये फ्लावरिंग प्लांट है तो नेचुरली इसको थोड़ी सन पसंद है, तो इसको थोड़ा सन में रखना चाहिए। मगर जब बहुत स्कॉचिंग हीट हो तब थोड़ा सा दूर कर लीजिए इसको। और वैसे ये सन लविंग प्लांट है। और मॉइस्चर, ये बहुत ज़्यादा पानी, वाटर लॉगिंग नहीं लाइक करता है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉक कर देंगे तो ये थोड़ा ऊपर से इसकी लीव्स सब कुछ ड्राई होने लगेंगी और इतनी लश ग्रीन नहीं लगेंगी। और ये कॉम्बिनेशन है, जब ये लश ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्लॉसी सी, और साथ में वाइट फ्लावर्स होते हैं, तभी ये चांदनी के नाम से तभी पुकारा जाता है, क्योंकि ये उसी तरह का चांदनी रात की तरह ये चमकता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है। तो ये इसके वाटर लॉगिंग अवॉइड करिए। इसके लिए पॉट लीजिए जो बहुत वेल ड्रेन्ड हो, और अगर पानी भरा रह गया तो इसकी रूट रॉट हो जाती है। और ये छोटा सा प्लांट रहता है अगर पॉट में रखेंगे। मेरा तो काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि टॉल हो गया है, क्योंकि ये नीचे ग्राउंड पे लगा हुआ है। अगर इसको थोड़ा उस पर लगाते हैं नीचे पॉट में, तो ये और थोड़ा छोटा रहता है। और अगर आप इसको प्रून करना चाहें तो इसको प्रून, हार्ड प्रून दोनों कर सकते हैं, मगर इसका प्रूनिंग का टाइम, वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, मगर इसका प्रूनिंग का टाइम आप दिसंबर जनवरी रखिए, ताकि समर्स में या स्प्रिंग में खूब अच्छी लीव्स और फुटाव दे सके, नए स्टेम्स का और लीव्स का, और नए मैक्सिमम फ्लावर्स आपको ब्लूम्स मिल सके। तो इसकी प्रूनिंग है दिसंबर जनवरी में। इसको लगा तो आप कभी भी सकते हैं, क्योंकि ये कटिंग के थ्रू है, मगर रेनी सीजन में इसकी कटिंग इजीली लग जाती है। जब कटिंग लें तो इसको थोड़ा सा, थोड़ी मोटी स्टॉक लीजिए, पर रूटिंग हार्मोन लगा के फिर लगा दीजिए। इसकी देखिए, इसकी जो ये
वो है स्टेम्स हैं, कैसे आती हैं, और ये ऊपर आके पूरा बुश बन जाता है, सर्कुलर बुश बन जाता है, ये ऐसे करके एक बुश बना हुआ है। तो इसकी केयर भी हो गई, इसका प्रोपोगेशन भी हो गया, इन्फेस्टेशन ये काफ़ी प्रोन नहीं है, मगर फिर भी आप चेक करते रहिए कि ये कभी आपके इसके अंदर स्पाइडर माइट्स या कोई और इन्फेस्ट ना कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो आप कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल सकते हैं, जैसे नीम ऑयल और लिक्विड सोप मिक्स करके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसको ग्राउंड पे लगाइए, इसको पॉट्स में लगाइए, दो पॉट चार पॉट में लगाइए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, पूरे समर्स इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और ये बड़ा खूबसूरत लगता है। थैंक यू, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।